नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियां। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर जिले की जिला पंचायत की सभी 13 वार्डों के परिणाम शुक्रवार 15 जुलाई को घोषित किए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने वार्डवार सारणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए। साथ ही विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जो प्रत्याशी प्रमाण पत्र लेने नहीं आ सके, जिला पंचायत से अपने प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। वार्ड क्रमांक 2 से माया भूपेन्द्र सिंह गुर्जर को 10,478 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रीति हरेन सिंह यादव को 5,773 वोट ही प्राप्त हुए। इस तरह माया भूपेन्द्र सिंह गुर्जर ने काफ़ी बड़ी लीड से यह चुनाव जीता है। हमारे संवाददाता सिमेन सिंह ने आज इस संबंध में माया भूपेन्द्र सिंह गुर्जर से बात भी की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जनता ने उनके प्रति विश्वास जताया है। देखिए हमारे संवाददाता सिमेन सिंह की खबर। जिला पंचायत वार्ड जो अध्यक्ष सीट है वो हरिजन सीट है, और माने जाने वाले तीनों ही सदस्य जो जीत के आए हरिजन में, नेहा परियार है, राजू पटेल है, और कुंवर सिंह है अपने पानीपति से, तो तीनों ही बीजेपी के। और किसका प्रत्याशी घर में बैठे हुए हैं, कौन प्रत्याशी भारी रहता है, तो हम तीन लोग हैं सदस्य कांग्रेस के, हम आपस में एक दूसरे बात करेंगे, बैठ के सलाह लेंगे, अब इसका निर्णय बाद में बताऊंगा। आप किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी बोलूँ। अभी क्या सलाह लेंगे, क्या निर्णय लेंगे आपस में, हमें किसका समर्थन देना किसका नहीं देना, वो हम बात जब बीजेपी के तो हमें तो हम तीन सदस्य तो हम अपने हिसाब से चलेंगे।